आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में, चूंकि इसके क्वार्टरली नंबर आते हुए दिखे हैं और नंबर्स रियली बहुत ही पुअर नंबर दिखा है। ग्रोथ बिलो द एक्सपेक्टेशन है, इबिटा मार्जिन इज ओनली अराउंड 15% और जो एक्सपेक्टेशन थी वो चाहे रेवेन्यू, इबिटा मार्जिन या फिर डॉलर के रेवेन्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सभी बिलो द एक्सपेक्टेशन आते हुए दिखा है। ओवरऑल हमने देखा कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% का डिक्रीज देखने को मिला, वहीं रेवेन्यू ग्रोथ की बात देखें तो अराउंड 16% का इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि ओवरऑल पर्सनली मेरा व्यू ये है कि इसका इम्पैक्ट इसके प्राइस पे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको आते हुए दिख सकता है। टेक्निकली इस समय देखें तो ये स्टॉक 412 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, हालांकि इसके हाईएस्ट प्राइस आज के 416 के रहे थे, क्लोजिंग बिलो 20 EMA के नीचे का रहा है। तो डाउनसाइड में अगेन ये स्टॉक एक बार 390 यानी 390-380 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। कॉन्ट्रा ट्रेड को भी ध्यान में रखें क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैड रिजल्ट के बाद भी जो स्टॉक का रिएक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो अपसाइड अगर ये स्टॉक 416 के ऊपर सस्टेन करता है तो 430 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा व्यू बियरिश है इस रिजल्ट के बाद इस स्टॉक के इम्पैक्ट का।